हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजेड वाई टेक अनबॉक्सिंग ब्लॉग के अनदर वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे पास वीमेंस के लिए एक बैग आया है अनबॉक्स करने के लिए। कुछ इस तरह का बैग है जो पैकेजिंग में हमें मिला है। अगर आपको इस बैग के बारे में बताऊं तो मुझे पता नहीं, ये हमें एज अ गिफ्ट मिला है। मिस राजवीर जोशी मैम के तरफ से हमें गिफ्ट मिला है ये बैग। तो हमें पता नहीं कि ये कितने का उन्होंने लिया है और कहाँ से। मैंने थोड़ा रिसर्च किया था ऑनलाइन, ये कुछ इंटरनेशनली ईरोज में मिल रहा है। मतलब ये किसी ने मतलब डायरेक्ट आउट ऑफ मतलब इंडिया मतलब इंडिया के बाहर का जो है ना कंपनी, वहीं से ये डायरेक्ट इंडिया में इम्पोर्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम अनबॉक्स करते हैं। कुछ इस तरह के मतलब मिला तो हमें अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे नाम है इसका बैग रिव्यू, कलर 100 स्लैश सॉरी स्पेस ब्लैक लिखा है, और ये उसका कोड है शायद से PO #506, और ये बार कोड नंबर है, ठीक है। और ये ऊपर टॉप पे आप देखेंगे तो NR 3130 शायद से ये इसका प्रोडक्ट नंबर रहेगा। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, सिर्फ आपके लिए ये एक्सक्लूसिव है। कुछ इस तरीके का बैग है, ये वीमेंस के लिए है, ठीक है। सबसे पहले इसके ब्रांड के नाम के बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, इन्होंने एम्बोस किया है गाउ बॉयज बैग, और यहाँ पे इसका टैग है, ठीक है। ये काउबॉय बैग्स प्रीमियम लेदर गुड्स लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका दिया गया है कि ये किस कैसे मतलब लेदर से, तो ये 100% मतलब प्रीमियम लेदर से बना हुआ है, ठीक है। आप पढ़िए यहाँ पे जो दिया गया है, और इसके बैग पे यही लेदर के बारे में लिखा गया है, लेदर वर्किंग ग्रुप, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ किया गया है, किस तरीके के मैन्युफैक्चर है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप देखिए, इसे पॉज करके देख लीजिए। और अगेन सेम यही है जो मैंने आपको बैक के मतलब स्टार्टिंग में आपको बैक पे रीड करके बताया था, वही है सेम, कुछ नहीं। ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा है, तो भी मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है NR 3261, नहीं थोड़ा डिफरेंट है ये बैग, न्यू लूज, और कलर लिखा गया है 110, और ये अंट्रैक्ट सेट लिखा है, ठीक है। APO/498, और ये बारकोड है, और ये उनका ऑफिशियल शायद से वेबसाइट रहेगा cowboysbag.com, ठीक है। और कुछ इस तरह का हमें आईडी के लिए आता है, मतलब आईडी मींस यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर इफ इन केस अगर आप कहीं पे बाय प्लेन से ट्रैवल करते हो या आउट ऑफ इंडिया या कहीं पे भी जाते हो आप, मोस्ट ऑफ मतलब आप ट्रैवलिंग आप ये करते हो, तो यहाँ पे आप अपना मतलब नाम और फोन नंबर, ईमेल आईडी लिख सकते हो। मतलब इनकेस अगर ये लॉस होता है आपके साइड से या आप बाई चांस भूल जाते हो, तो ये जिस भी मतलब पर्सन को अगर ये मिलता है तो वो आपको इजीली ये नंबर पे कांटेक्ट करके आपको ये आपकी बैग जो है वो रिटर्न कर सकता है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम इसे ओपन करके देखते हैं अंदर क्या है। कुछ है कुछ इस तरीके का है अंदर, थोड़ा का पेपर है, और इसके बिल्ड के बारे में कहूँ ना तो ये लेदर जो है ना ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, और इसके जो स्टिचेस लगे गए हैं ना, मैं आपको थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ, ये देखिए कितने अच्छे हैं क्वालिटी के। ये इसका मैग्नेट है, जब आप इसको ये करते हो तो ये कुछ इस तरीके से लॉक होता है, ठीक है। ये मैग्नेट है, और इसका ये बेल्ट है, ठीक है। ये बेल्ट है,
थोड़ा मेरे पास ट्राइपॉड या कुछ ऐसा नहीं है, गोरिल्ला पॉड, तो हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अभी थोड़ा इसका हाइट थोड़ा मैं बढ़ा दिया है, थोड़ा बॉक्स अंदर रख दिया इसके नीचे, तो आपको क्या है कि प्रॉपर अभी थोड़ा दिखेगा क्या है एग्जैक्टली अंदर। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको हिडन पॉकेट मिलता है अंदर की साइड, दो हिडन पॉकेट है ये, ठीक है, ये दो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दो हिडन पॉकेट है यहाँ पे, एक है आपको रखने के लिए, ठीक है, और ये चेन है, सॉरी, हाँ ये चेन है, ठीक है, ये चेन है, ये चेन में आप अपने कुछ भी वैल्यूबल चीजें रख सकते हो और चेन को आप बंद कर सकते हो। सॉरी अगेन धक्का लग रहा है मेरा। और यहाँ पे फिर से एक मतलब ये दिया गया है, कुछ आपने मेकअप बिकअप के लिए कुछ रखना चाहते हो, लिपस्टिक या फिर आई लाइनर रहता है, फिर फाउंडेशन जो मोस्टली लेडीज यूज करती है, तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये चेन है, चेन पे भी उन्होंने लेदर का ही दिया गया है, ये लेदर का है, ये 100% लेदर का है, ये सिंथेटिक नहीं है, याद रखिए ये सिंथेटिक नहीं है, ये 100% जेन्युइन लेदर है, ठीक है, जो भी है। और अंदर का ये जो खाली ये कपड़ा है जो है ये क्लोथ का है, ठीक है, ये पता नहीं मुझे कॉटन है क्या, टेरिकॉट है क्या है, लेकिन ये जो अंदर का इनर जो मटेरियल जो दिया गया है वो क्लोथ का है, ठीक है, और जो आउटर मटेरियल है जो वो पूरा लेदर का है। और यहाँ पे इन्होंने इनका कुछ कोड दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है, देखिए 498/3261/110, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये कम्प्लीटली आउट ऑफ इंडिया से है, मैंने थोड़ा सर्च किया था और अंदर कुछ है ही नहीं, बस यही है पर्स वीमेंस के लिए, गाउ बॉयज की तरफ से। और अगर जो मतलब महिलाएं लेडीज के गुड्स यूज करती है तो उनके लिए एक मतलब अगर आप रेनी सीजन है, जैसे रेनी सीजन में थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिलहाल तो हमें ये गिफ्ट मिला है, तो हम इसे मतलब रेनी सीजन क्लोज होने के बाद ही यूज करेंगे। और इसके लिए लेदर के ऊपर एक प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन मीन्स अगर इस पे कोई फंगल आता है, आप बारिश में यूज नहीं कर रहे हो तो ऐसे पड़े पड़े कुछ फंगस जैसा आपको दिखेगा, तो उसका इजी ट्रीटमेंट ये है कि आपके घर में कोई डिटॉल रहेगा तो कॉटन पे डिटॉल लेके नॉर्मली जेंटली आपने मतलब कॉटन से इसे रब कर लीजिए, या तो फिर सेकेंड आप इसे सोप जो रहता है आपके घर में वो सोप से भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप डेटॉल से भी कर सकते हैं तो उससे काफ़ी बेटर रहेगा। और अगर यूज़ में नहीं आ रहा है फंगस बिंगस ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली इसका शाइन ना जाए और ये लंबे समय तक लॉन्ग लास्ट करे, लेदर के मतलब वॉलेट रहे या कुछ भी लेदर के प्रोडक्ट रहे, तो आप सिंपली ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑलिव ऑयल से बेटर जो है वो बी वैक्स है, वो बी वैक्स आपको अमेजोन पे इजीली मिलेगा, amazon.in पे, या तो फिर आपको लेदर के गुड्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे अगर हो सकता है तो मिल सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन ऑनलाइन मिलता है, बी वैक्स करके आता है, व्हाइट कलर का आता है, ठीक है, तो क्रीम जैसा रहेगा, फिर वो आप इस पे लेदर पे अप्लाई करेंगे ना तो लेदर आपका है ना काफ़ी लंबे समय तक है ना मतलब इसका शाइनिंग भी रहेगा और लंबे समय तक वो लेदर चलेगा और खराब नहीं होगा इजीली। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं कितने का प्रोडक्ट है क्या है, बस हमें गिफ्ट मिला है राजवी जोशी मैम की तरफ से, तो बस आपके लिए मैंने अनबॉक्स किया है ये। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल पे पहली बार रहेंगे जो महिलाएं, तो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है और स्पेशली ये इंटरनेशनल है। अगर आपका बजट रहेगा तो आप डायरेक्टली इंटरनेशनली इसे इम्पोर्ट कर सकते हो। और बाकी मुझे पता नहीं इसका प्रोसीजर क्या है, बाकी आप देख लीजिए इंडियन मार्केट में अगर आपको मिलता है तो ठीक है। बेसिकली ये मॉल में मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, मॉल में जो बड़े बड़े मॉल्स है, हाइपर सिटी मॉल, फिनिक्स मॉल, फिर ये हुआ इनऑर्बिट मॉल, फिर इन्फिनिटी मॉल जो मलाड बिलाड ये सब साइड है, तो हो सकता है वहाँ पे मिल सकता है, अंधेरी में मिल सकता है। आप देखिए, कोशिश कर लीजिए। बाकी मैं तो आपको कुछ बता नहीं सकता कंफर्म, लेकिन ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। मैंने थोड़ा नेट पे गूगल किया था तो वहाँ पे पता चला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा। और मेरे चैनल पर पहली बार रहेंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।